आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। आप अभी एक हैप्पी थॉट सोच कर देखिए। जब आपको बहुत खुशी हुई थी आपको तुरंत अच्छा फील होगा। इसका मतलब आपकी एनर्जी बहुत अच्छे लेवल पे वाइब्रेट कर रही है। अगर आप कुछ बुरा अभी सोचोगे, जो आपको बहुत हर्ट हुआ था, किसी ने बहुत हर्ट किया था, तो तुरंत पूरा अच्छा मूड जो था वो नीचे आ जाता है। यानी लो एनर्जी, लो वाइब्रेशन होती है। जब हमारे एक एक थॉट का हमारे बॉडी पे इतना असर होता है, तो सोचो इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सब के जितने भी थॉट्स और एनर्जीज हैं, वो सारी एनर्जी जब ऐसे ऊपर निकलती है इन मतलब ब्रह्मांड में, तो इस पृथ्वी पर क्या असर पड़ता होगा। पृथ्वी का भी लो एंड हाई वाइब्रेशन होता है। पृथ्वी भी हाई एंड लो एनर्जी पे वाइब्रेट करती है और वो डिपेंड करता है टोटली हम पे। आपको क्या लगता है दुनिया पहले इतनी अच्छी क्यों थी? क्योंकि लोग अच्छे थे ना, लोग बहुत साफ मन के थे, अच्छे काम करने वाले थे। बुराई तो हमेशा से थी, इवन सतयुग में भी देवलोक और दानव लोक था ही। सो गुड एंड बैड इज हैंड इन हैंड, यू नो दे वॉक हैंड इन हैंड, उनको सेपरेट नहीं कर सकते हम। वो है ही, एक कॉइन के दो हिस्से है ही। बट अच्छाई बहुत ज़्यादा थी, दुनिया बहुत अच्छी थी। धीरे 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 जैसे सतयुग में देवलोक था, दानव लोक था, उसके बाद त्रेता युग में एक ही लोक था जहाँ पे दानव और देव एक साथ रहते थे। उसके बाद में द्वापर युग में दानव और देव यानी अच्छा और बुरा एक ही परिवार में रहने लगे, जैसे कौरव और पांडव। और अब कलयुग में दानव और देव एक ही इंसान में रहते हैं, बुराई और अच्छाई दोनों। सो आजकल आप देख रहे हो कि हर इंसान का माइंडसेट करप्ट है, हर इंसान कुछ ना कुछ बुरा करता है। इतने सारे पाप बढ़ गए हैं, इतना सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इतनी सारी बाढ़, तबाही, नेचुरल कैलामिटीज, ये सब पहले नहीं था इतना। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इंसान की सोच ही वैसी होती जा रही है, और जिस तरह की सोच फैल रही है पूरे दुनिया में उस तरह की दुनिया बनती जा रही है। इसीलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं जाके हर इंसान को तो चेंज नहीं कर सकती, मैं एंटायर पृथ्वी को तो चेंज नहीं कर सकती, करोड़ों लोग रहते हैं, मैं उनका माइंडसेट तो चेंज नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट मैं अपनी लाइफ तो बेटर बना सकती हूँ। और अपने साथ साथ अगर मैं इतनी सक्षम बन सकूं कि मैं किसी एक दो लोगों को प्रभावित कर सकूं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है।